Welcome to our YouTube channel Study Date. In this video, we will discuss Class 11th Biology Chapter 1, 11th Transport in Plants, Top 20 MCQ. You can give full quiz on our website. Link is mentioned in description box below. Let's start now. First question is, what is the effect of Tugger pressure in Munch hypothesis? तो Munch hypothesis में Tugger pressure का क्या effect पड़ता है? टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, डिक्रीज हो जाता है, या फिर कोई भी चेंज नहीं होता टर्गर प्रेशर में, या फिर ये वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के इंडिपेंडेंट होता है। तो Munch हाइपोथेसिस पहले तो होता क्या है, यहाँ पर ये इस हाइपोथेसिस में जो वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम सोर्स से लेकर सिंक तक होती है, ठीक है, वाटर की मूवमेंट हो रही है सोर्स ऑब्जेक्ट से, शुगर इज एक्टिवली लोडेड इन टू द सीव ट्यूब एलिमेंट एट द सोर्स पर, शुगर लोडेड होगा, एज अ रिजल्ट वॉटर जाइलम से निकलेगा, सीव ट्यूब एलिमेंट में जाएगा, सिंक क्या, सिंक पर क्या होगा, सिंक लोकेशन पर शुगर जो होगा वो एक्टिवली पैसिवली अनलोडेड हो जाएगा, ठीक है, सोर्स से लेकर सोर्स में तो क्या होता है, लोडेड होता है, और वही चीज जाकर सिंक में अनलोड हो जाती है, सोर्स में जो चीज लोडेड होती है वही चीज अनलोड हो जाती है सिंक में जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेनली टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मीजोफिल सेल्स में बनते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है, तो जो लीफ की मीजोफिल सेल्स होती है वहां पर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर लीफ की जो मीजोफिल सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा नेबरिंग सेल से, और इससे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर और उनका टर्गर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, तो टीपी होता है वो इंक्रीज होता है जब भी वाटर एंटर करता है किसी भी सेल में, तो सेल को अपनी टर्जिडिटी मेंटेन करनी पड़ती है, अपनी शेप को मेंटेन करनी पड़ती है, जिसे इनवार्ड वाटर की मूवमेंट वो उनकी शेप को ना बिगाड़ पाए, ठीक है, तो टर्गर प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा Munch hypothesis के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पर आपको बताना है कि वाटर की मूवमेंट कैसी होगी, ए और बी दोनों ही कंटीजियस सेल्स हैं, ठीक है, ये ओपी दे रखा है यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 10 एटमोस्फियर, टीपी दे रखा है 7 एटमोस्फियर, बी हैज ओपी, बी का ओपी दे रखा है आपको 8 एटमोस्फियर, टीपी दे रखा है 3 एटमोस्फियर, डीपीडी दे रखा है 5 एटमोस्फियर, तो रिजल्ट क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर इक्विलिब्रियम, नो मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू, या फिर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम बी टू ए, या फिर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी, तो मूवमेंट जो होगा वो ए टू बी होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, अगर सेल ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सेल ए की बात कर रहे हैं, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है 10 एटमोस्फियर, ठीक है, टर्गर प्रेशर है 7 एटमोस्फियर, डीपीडी है हमारा 3 एटमोस्फियर, और सेल बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी फाइंड आउट नहीं हुआ है, टर्गर प्रेशर है 3 एटमोस्फियर, डीपीडी है हमारे पास 5 एटमोस्फियर, ठीक है, सेल बी की ये बात करेंगे तो सेल बी में अगर हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डीपीडी यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट प्लस में टर्गर प्रेशर के इक्वल आता है, अब हमें डीपीडी की वैल्यू हमें दे रखी है, बी के केस में ही बात कर रहे हैं, डीपीडी की वैल्यू में 5 एटमोस्फियर दे रखी है, तो ये 5 है, टीपी की वैल्यू 3 दे रखी है, यानी कि ये हो गया 8 एटमोस्फियर, ओके, तो यहाँ पर जो सेल ए है, सेल ए ये हमारी होगी, इसका जो डीपीडी है वो है 3 एटमोस्फियर, सेल बी का डीपीडी हमारा आया है वो है हमारा, देखो डीपीडी एक का तो 8 है और दूसरे का हमारा है 5, तो जो वाटर की मूवमेंट होती है वो लो डीपी से हाई डीपी की तरफ होती है, लो से हाई डीपी की तरफ वाटर मूव करता है, अब लो वाला किसका है, ये वाला 5 वाला जिसका, यानी कि सेल बी से हमारी क्या होगी, ए तक की मूवमेंट होगी, ठीक है, तो वाटर की मूवमेंट जो होगी वो यहाँ पर जो डी है, यहाँ पे एक गलती हो गई है कि यहाँ पर डीपीडी जो है हमारा ये 8 नहीं है, ये ओपी निकला था 8, यहाँ पर डीपीडी 3 है, ठीक है, तो लो हो गया ए वाला, ये ए का डीपीडी है, ये बी का डीपीडी है जो कि है 5, तो लो से हाई वाटर की मूवमेंट होती है, यानी कि वाटर की मूवमेंट होगी ए से
बी की तरफ, ठीक है। वाटर की मूवमेंट लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होती है, दैट इज ए टू बी मूवमेंट होगी वाटर की। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, लिखनी है आपको पंप इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पंप क्या होते हैं? लिपिड होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं और मॉलिक्यूल्स को पास करने देते हैं मेम्ब्रेन से। ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स को अपहील। अपहील मूवमेंट में मेनली क्या होता है? जो अपहील मूवमेंट होती है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, ठीक है। जो पंप होते हैं वो अपहील मूवमेंट भी शो करते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होते हैं और सेंसिटिव होते हैं इनहिबिटर से, तो ये दोनों ही तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तुम्हारा बी सी डी करेक्ट ऑप्शन है। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर भी होते हैं पंप और ये स्पेशल इनहिबिटर से अफेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो बी सी डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रोटीन जो ह्यूज पोर्स बनाते हैं मेम्ब्रेन ऑफ द सर्टेन ऑर्गेनेली एंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, वो प्रोटीन बताने हैं जो कि पोर्स क्रिएट करते हैं कुछ ऑर्गेनेली में बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में, कुछ ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन में या बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करते हैं। वो प्रोटीन होते कौन से? वो होते हैं पोरिंस। पोरिंस इज ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि बैक्टीरिया और कुछ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट कर देते हैं। Proteins that form huge pores in the membrane of certain organelles and bacteria are called porins. Porins are protein that form huge pores in their outer membrane and allow molecules up to the size of small protein to pass through them. Molecules को allow करते हैं small protein को pass करने के लिए। ये outer membrane में मिलते हैं gram negative bacteria के, mitochondria के, chloroplast के, ठीक है। Diffusion rate affect किससे होता है? Pressure and soil से, water and pressure से, ग्रेडियंट कंसंट्रेशन एंड प्रेशर से, या फिर सोइल एंड वाटर से। डिफ्यूजन रेट जो होता है सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मेनली डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो है टेम्परेचर, ठीक है, सॉल्वेंट की डेंसिटी, कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का, या फिर सोल्युबिलिटी। तो ग्रेडियंट की कंसंट्रेशन और जो प्रेशर होता है वो डिफ्यूजन रेट को डिफाइन करते हैं। डिफ्यूजन में होता है क्या है कि पैसिव मूवमेंट होता है, मतलब विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एनर्जी। एनर्जी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती है, एनर्जी नॉट इन्वॉल्व। पैसिव मूवमेंट में क्या होता है? एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मूवमेंट होता है सब्सटेंस का फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन में मेनली कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से अगर आपने एक इंसेंस स्टिक दिला दी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इंसेंस स्टिक की जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी मॉलिक्यूल चले जाते हैं। मेनली सॉलिड मॉलिक्यूल जाते हैं, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसमें हम क्या कहते हैं इसको? डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सेलुलर ट्रांसपोर्ट करने में। डिफ्यूजन का रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। डिफ्यूजन टेक प्लेस एज लोग हैं देयर डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस ए बैरियर। डिफ्यूजन स्टॉप हो जाता है जब कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द बैरियर इक्वल हो जाती है, ठीक है। और डिफ्यूजन रेट इंक्रीज हो जाता है जैसे मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो वो भी डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करता है। तो प्रेशर जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है गैसेस के डिफ्यूजन में। गैसेस डिफ्यूज होती है हाईर पार्शियल प्रेशर से रीजन ऑफ हाई लोअर पार्शियल प्रेशर तक, ठीक है। आगे सिक्स क्वेश्चन हमारा है कि कोहेसन थ्योरी ऑफ वाटर मूवमेंट इन प्लांट्स वाज पुट फॉरवर्ड बाय। कोहेसन थ्योरी किसने दी थी? हेनरी डिक्सन ने, एफ एफ ब्लैकमैन ने, या फिर मेलविन कैल्विन ने, या फिर हैंस ए क्रैब ने। तो आपको नाम से पता लग रहा होगा कि ब्लैकमैन ने, तो ब्लैकमैन का कंसेप्ट दिया था। मेलविन साइकिल एक साइकिल थी, क्रैब साइकिल, तो ये तो नहीं दी है, ठीक है। तो ये हेनरी डिक्सन जो था सिर्फ यही एक साइंटिस्ट रह गया जिसने कोहेसन थ्योरी दी थी। कोहेसन थ्योरी में क्या होता है? एक तो पहले आपको कोहेसन और अडहेसन इन दोनों प्रोसेस के बारे में बताना चाहिए। कोहेसन तो अटैचमेंट होते हैं सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। कोहेसन में कोहेसन मतलब सिमिलर मूवमेंट, सिमिलर मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट होती है, ठीक है। जबकि अडहेसन में दो डिफरेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनकी वो अडहेड कर जाते हैं दूसरे के साथ, वो होते हैं अडहेसन। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो असेंट ऑफ सैप है प्लांट में वो एक टाइप की फिजिकल प्रोसेस है।
लिफ्टिंग फोर्स फॉर विच इज प्रोवाइडेड बाय द पुलिंग फोर्स जनरेटेड बाय द ट्रांसपीरेशन। कोहेसन फोर्स जो होता है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, जर्मिने हेल्प इन मेंटेनिंग कंटिन्यूस वाटर कॉलम एंड एडहेसन फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ट्रैकरी एलिमेंट्स के बीच में है। एडहेसन किस में है? वाटर मॉलिक्यूल और ट्रैकरी के बीच में, जबकि कोहेसन लिखा था कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होता है। ठीक है, हेल्प इन स्टिकिंग टू द वाटर टू द जाइलरी एलिमेंट्स। बोथ ऑफ दिस फोर्सेस हेल्प इन मेंटेनिंग ए कंटिन्यूस वाटर कॉलम इन द जाइलरी एलिमेंट्स। तो कोहेसन और एडहेसन जो होते हैं वो एक टेंशन क्रिएट करते हैं जाइलम के बीच में, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो अपवर्ड मूवमेंट कर पाता है। सेवंथ क्वेश्चन है कि डिफ्यूजन रेट किससे अफेक्ट होता है? टेम्परेचर से, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी से, ग्रेडियंट से, या फिर ऑल ऑफ दिस? मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी से भी, टेम्परेचर से भी, और सारे की सारे कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट से भी अफेक्ट करता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका मेनली आंसर आएगा। एट क्वेश्चन है कि ग्रेडियंट नॉट यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड स्टफ। वो इन ग्रेडियंट जो फूड स्टफ को प्रिजर्व करने के लिए नहीं यूज किया जाता, विनेगर भी किया जाता है, सिरका किया जाता है, सोल्ट एंड शुगर भी यूज किया जाता है। ठीक है, शुगर एंड विनेगर दोनों चीजें यूज की जाती हैं। इथेनॉल एक ऐसी चीज है जिसको हम प्रिजर्व करने के लिए नहीं डालते हैं किसी भी फूड में। इथेनॉल इथाइल एल्कोहल बोला जाता है, इसको हम प्रिजर्वेशन के लिए नहीं यूज कर सकते। इसको हम कई जगह पर सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे कि पॉलिश बनाने के लिए, पेंट के लिए, वैक्स के लिए। और मिथेनॉल पॉइजनिंग में भी इथेनॉल जो होता है वो एक एज अ ट्रीटमेंट की तरह यूज किया जाता है। तो इसको हम यूज नहीं करते हैं मेनली एज अ इनग्रेडियंट टू प्रिजर्व फूड स्टफ। मंच हाइपोथेसिस किस पर बेस्ड था? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू द टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट एंड इम्बाइबिशन फोर्स के ऊपर, या फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू द टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट, या फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू द इम्बाइबिशन फोर्स के ऊपर। मेनली ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू द टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर मंच हाइपोथेसिस बेस्ड था। ठीक है, मंच हाइपोथेसिस जो था वो फ्लेम सैप की मूवमेंट कर रहा था टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट के अगेंस्ट। मास फ्लो ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट टेक प्लेस फ्रॉम द साइड ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू साइड ऑफ द लो कॉन्सेंट्रेशन, कि ये बताता था कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती थी। हाई में आ जाएगा सोर्स, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती थी। तो ये होता था हमारा मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन है कि इफेक्ट क्या है टर्गर प्रेशर का मंच हाइपोथेसिस में? टर्गर प्रेशर का क्या इफेक्ट है? टर्गर प्रेशर जो होता है वो मेनली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नेसोफिलीज में बनते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, तो वाटर एब्जॉर्ब होने लग जाता है नेबरिंग सेल को, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर भी बढ़ जाता है। इलेवेंथ क्वेश्चन है कि रूट हेयर्स ने वाटर को एब्जॉर्ब करा सोइल से विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, सतन प्रेशर, या फिर टर्गर प्रेशर। रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सोयल से विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, सतन प्रेशर, या फिर टर्गर प्रेशर। किसकी हेल्प से करते हैं? वो मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से रूट हेयर जो होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट हेयर एक लार्ज सरफेस एरिया कवर करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर की मूवमेंट हो रही है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के क्रॉस। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की भी मूवमेंट हो जाती है। ठीक है, हाई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू ए रीजन ऑफ लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस ग्रेटर इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकल प्रोसेस में एज द सॉइल हैज ए हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू रूट हेयर सेल्स, थस ऑस्मोसिस जो होती है इसी वजह से होती है। ट्वेल्थ क्वेश्चन है कि प्लांट की विल्टिंग क्या होती है? असेसिव फ्रॉम असेसिव, प्लांट्स की विल्टिंग रिजल्ट फ्रॉम असेसिव रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, या फिर ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स की जो विल्टिंग होती है वो असेसिव ट्रांसपीरेशन से होती है। ठीक है, सो इन केस द सॉइल हैज लेस वाटर अवेलेबिलिटी फॉर द प्लांट, असेसिव वाटर लॉस मे कॉज द लीफ टू लॉस टर्बिडिटी। क्या होता है, सॉइल जो होती है उसकी लेस वाटर अवेलेबिलिटी होती है प्लांट के लिए। पानी का लॉस ज्यादा होगा तो वो अगर वाटर का लॉस ज्यादा हो जाएगा तो जो लीफ की सेल्स हैं वो टर्बिडिटी को लॉस कर लेंगी, जिसकी वजह से अगर आपने क्या किया कि अगर विल्टिंग में मेनली क्या होता है कि प्लांट्स होते हैं वो मुरझा जाते हैं। ठीक है, ये मुरझाना होता है।
विल्टिंग किससे होता है? अगर ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि एरियल पार्ट से वाटर का लॉस होना होता है, यानी कि लीफ से वाटर का लॉस होता है, ठीक है। अगर वो ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि पानी में वाटर कम होगा, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगी कि वाटर की अवेलेबिलिटी सॉयल में भी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स में विल्टिंग हो जाती है, ठीक है। अगर सॉइल के पास वाटर अवेलेबिलिटी कम है तो क्या होगा कि सेल लीफ की जो सेल्स होती हैं वो टर्जिडिटी को लॉस कर देंगी। 13 क्वेश्चन है इसमें से, डिफ्यूजन के बारे में ट्रू बात कौन सी नहीं है? डिफ्यूजन में एक्सपेंडिशन ऑफ एनर्जी नहीं होती है, सही बात है, क्योंकि ये पैसिव प्रोसेस ही है, इसमें लाइफ एनर्जी के कोई रोल नहीं है, एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। मॉलिक्यूल्स ब्राउन इन मोशन में मूव करते हैं, इधर उधर इधर उधर ऐसे मोशन में मूव करते हैं। सब्सटेंस जो होते हैं वो रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। डिफ्यूजन डिपेंड करता है कि लिविंग सिस्टम का टाइप क्या है, तो डिफ्यूजन के बारे में मेनली ये बात है कि सब्सटेंस जो होते हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। मॉलिक्यूल्स होते हैं मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन अंटिल द कॉन्सेंट्रेशन बिकम इक्वल थ्रू आउट। जब मॉलिक्यूल्स जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की मूवमेंट करते हैं, तब तक उनकी मूवमेंट करती है जब तक उनकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड सेम नहीं हो जाती, ठीक है। लिक्विड एंड गैसेस जो होते हैं वो दोनों ही डिफ्यूजन करते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर एबल टू मूव रैंडमली। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वाटर मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में वाटर मूवमेंट की करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको। सबसे पहले क्या होगा, रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, फिर कॉर्टेक्स करेंगी, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम, फिर मेटाजाइलम। ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है, दैट इज रूट हेयर, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। 16 क्वेश्चन है कि अगर प्रेशर ग्रेटर होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर से, इज अप्लाइड टू द प्योर वाटर, द वाटर पोटेंशियल क्या होगा? अगर प्रेशर ग्रेटर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, प्योर वाटर से एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो प्योर वाटर का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? अगर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल भी कम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो प्रेशर क्रिएट होता है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो वो क्या होगा, अगर वाटर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर बढ़ा तो क्या होगा, वाटर प्रेशर जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब ये वाला जो साइन है आपको ये क्या डिनोट करता है, वाटर पोटेंशियल को या फिर नेगेटिव पोटेंशियल को, या प्रेशर पोटेंशियल को, या फिर सॉल्यूट पोटेंशियल को? ये डिनोट करता है प्रेशर पोटेंशियल को। अब इसी साइन के नीचे पी लगा हुआ है तो ये है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। प्रेशर एक्सर्ट बाय अ फ्लूइड एट इक्विलिब्रियम एट एनी पॉइंट पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। प्रेशर जो एक्सर्ट किया जाता है फ्लूइड से एट इक्विलिब्रियम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पर, इसे हम ग्रेविटी की फोर्स की वजह से होता है, इसे हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। डिनोट किया जाता है इस साइन से, इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है ऑल्दो एंड नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल प्रेजेंट होता है जाइलम। ये प्रेशर पोटेंशियल एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है असेंट ऑफ वाटर थ्रू द स्टेम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल। अब हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल बताना है किसका होगा, शुगर का, एक मोलर शुगर सॉल्यूशन का, या डिस्टिल वाटर का, एक मोलर सॉल्ट सॉल्यूशन का, या फिर एक मोलर शुगर सॉल्यूशन विद 2-3 बार प्रेशर। मेनली हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका होगा, डिस्टिल वाटर का। डिस्टिल वाटर का हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होता है क्योंकि इसकी सोल्यूट डिजोल्व नहीं होता है इसके अंदर, और ऑल्सो द प्रेशर ऑन द सिस्टम इज जीरो। डिस्टिल्ड वाटर का क्या होता है कि हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं है, डिस्टिल्ड है वो, कोई भी सॉल्यूट नहीं है, प्योर है, ठीक है। और प्रेशर जो होता है सिस्टम के ऊपर वो भी जीरो होता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन है कि वाटर इज लॉस्ट इन ए लिक्विड स्टेट इन सम प्लांट्स और हाइड्रोथोर्स। दिस हाइड्रोथोर्स क्या होते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं लिक्विड फॉर्म में वाटर को निकालते हैं, किससे निकालते हैं, हाइड्रोथोर्स की फॉर्मेशन करके। अब हाइड्रोथोर्स क्या होते हैं, स्पेसिफिकली ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं, नहीं दिखाते हैं, या फिर दिन के दौरान बंद होते हैं, रात के दौरान बंद होते हैं, या फिर हमेशा खुले होते हैं। हाइड्रोथोर्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ओपन होते हैं, ये अनरेगुलेटेड ऑलवेज ओपन पोर्स होते हैं एट द एंड ऑफ वेस्कुलर सप्लाई ऑफ लीव्स।
ब्यूटेशन टेक प्लेस, जहां से ब्यूटेशन होनी होती है। इट इज द मॉडिफाइड पोर्स एट द मार्जन और टिप ऑफ द लीफ। ये क्या होते हैं? मॉडिफाइड पोर्स होते हैं या तो फिर मार्जन पर या फिर लीव्स के टिप के ऊपर, ठीक है, जहां से वॉटर लिक्विड फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीज ड्यूरिंग इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोस्फियर। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है एटमोस्फियर में, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो इनमें से क्या चीज कम होगी वो आपको बतानी है। ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन या फिर ग्लाइकोलिसिस। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो ट्रांसपीरेशन कम होगी, वाटर का लॉस कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी वाटर में, एयर में मॉइस्चर है। अगर मॉइस्चर ऑलरेडी एयर में है तो ट्रांसपीरेशन जो होगा यानी कि वाटर का लॉस जो होगा वो प्लांट से, वो भी कम हो पाएगा, क्योंकि ये भी वाटर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही हो पाता है। तो जो ये जो ट्रांसपीरेशन है वो कम होगा अगर मॉइस्चर बढ़ेगा तो। टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। अगर दो टाइप के मॉलिक्यूल हैं वो सेम डायरेक्शन में वाटर की मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है सेम डायरेक्शन में हो रही है तो वो क्या कहलाए जाएंगे? सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट में क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो होता है सिम्पोर्ट। अगर एक मॉलिक्यूल जा रहा है, ठीक है, वो होता है यूनिपोर्ट। एंटीपोर्ट में एक इस साइड जा रहे हैं तो एक दूसरे साइड जा रहा है, ठीक है, अपोजिट साइड आ रहा है तो वो एंटीपोर्ट। मल्टीपोर्ट जब बहुत सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो होता है मल्टीपोर्ट। ठीक है, सिम्पोर्ट में मेनली दो जाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स एक साथ जाते हैं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट अवर 20 क्वेश्चन। यू कैन गिव फुल क्विज ऑन अवर वेबसाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।